दोस्तों तो बारिश शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे बारिश का मौसम जो है मॉनसून आने लग रहा है। तो बारिश जब शुरू होती है, बारिश में मन करता है बहुत ही स्पाइसी चटपटा सा बनाना और खाने का। तो आज मैं बारिश के मौसम में इसी तरीके की बहुत ही खास रेसिपी लेके आपके सामने आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात कर रही हूँ बहुत ही एक पॉपुलर और बहुत ही फेमस डिश की, और वो है ब्रेड पकौड़ा। क्योंकि बरसात के मौसम में इसी तरीके के कुछ पकौड़े या स्पाइसी सा खाने का मन करता है। तो आज ब्रेड पकौड़े की जो हम रेसिपी लेके आए हैं, वो ज़्यादातर नॉर्मल ब्रेड पकौड़े जो होते हैं बड़े साइज़ के ट्रायंगल शेप में होते हैं, लेकिन हम जो आज रेसिपी लेके आए हैं वो है मिनी ब्रेड पकौड़े, यानी कि साइज़ भी छोटा और जो खाने में और बनाने में बहुत ही ईजी और फ्लेवर टेस्ट इसका बहुत ही बड़ा, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं किचन में इस मिनी ब्रेड पकौड़े के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पॉपुलर डिश, वो है ब्रेड पकौड़ा। लेकिन ब्रेड पकौड़े को हमने बिल्कुल अलग अंदाज में पेश किया है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं जिससे इसका शेप, इसका साइज, इसका टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं इस रेसिपी को और इसके इंग्रेडिएंट्स को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने लिए हैं आलू उबले हुए, 4 से 5 मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिनके जो छिलका है, कवर है, वो हटा दिया है, बॉयल हैं। और इसके बाद चाहिए ब्रेड, तो वाइट ब्रेड लिए हैं मैंने 4 पीस, और ये है करी लीव्स, करी लीव्स ऑप्शनल है। एक प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, हरा धनिया, हल्दी पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हमें चाहिए अदरक लहसुन, अदरक को मैंने कद्दूकस किया है, और एक लहसुन का जो पीस होता है, एक ही लहसुन को बहुत बारीक बारीक कट किया है। इसके साथ 2 हरी मिर्च, नमक, ये है जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, साबुत जीरा और बेसन, एक बाउल बेसन की ज़रूरत है। और साथ में चाहिए चाट मसाला। और इसे तलने के लिए, ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए ऑयल, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेड पकौड़े की बिल्कुल एक अलग नई रेसिपी। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम गैस से और इस पर रखते हैं कढ़ाई। अब कढ़ाई रखने के बाद हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं स्टफिंग को बनाने से। तो स्टफिंग जो है बनाने के लिए हमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल चाहिए, और इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे जीरा, आधी छोटी चम्मच से भी कम जीरा का यूज़ करना है यहाँ पर। और इसके बाद डालेंगे जो ये हमने अदरक लहसुन लिए हैं बारीक बारीक कटे हुए, इसके बाद डाल देते हैं हम करी लीव्स, जो हमने करी लीव्स ली हैं इन्हें मैं तोड़ के डाल देती हूँ। और अब डालेंगे हम प्याज, अब इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। और डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च, क्योंकि अब जो है प्याज हल्के से कलर चेंज कर चुकी हैं, हमें बस हल्का सा लाइटली सॉटे करना था। तो 1-2 सेकंड में हो गया है तैयार प्याज। अब मैं गैस की फ्लेम बिल्कुल कम करके इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ, जैसे कि हम लेने वाले हैं हल्दी पाउडर, बस 1 पिंच के करीब हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी, ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं हल्दी पाउडर को। लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आप चटपटा चाहते हैं, क्योंकि आपने इसमें हरी मिर्च ऑलरेडी डाली हुई है। आधी छोटी चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा पाउडर और चाट मसाला। अब मैं इस मसाले को मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पर मेरा रहा है नमक मसालों में, तो वो मैं आलू के बाद डाल देती हूँ।
अभी फिलहाल ये मसाले मिक्स हो चुके हैं और इस मसाले में हम डाल देंगे आलू। जो आलू हमने बॉईल करे थे वो आलू हम मैश कर लिए हैं अच्छे से, इसे हमें मसल लेना है, ज़्यादा मोटी मोटी गांठें नहीं रखनी है। तो हम ये आलू उबाल के मसल चुके हैं अच्छे से, अब इसके अंदर मैं ये डाल देती हूँ, क्योंकि सूखे मसाले डालने के तुरंत बाद ही आपको डाल देना चाहिए जिससे कि जो है मसाला जले नहीं। सभी मसालों को मैं इसके अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हम नमक भी डाल देते हैं साथ में, तो नमक जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा सा नमक और मसाले हम जो है उसके बैटर में भी यूज करेंगे, तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसे साथ साथ कोशिश कीजिए थोड़ा सा मैश करने की, क्योंकि जो स्टफिंग ब्रेड के अंदर जाएगी अगर वो सॉफ्ट होगी तो बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा गांठे नहीं रहे आलू में। लीजिए ये आलू की जो स्टफिंग है ये तैयार है ब्रेड पकोड़ा के लिए। और अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम जो है बंद कर रहे हैं, और बंद करने के बाद यहाँ डालेंगे हम धनिया पत्ते। और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पनीर के पीसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत छोटे साइज में कट करके। तो लीजिए जो स्टफिंग है वो तो बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी सी। तो इसे हम बाउल में निकाल देते हैं और जो बैटर तैयार करते हैं जिसमें हमें ब्रेड पकौड़ा को डिप करना है। तो चलिए बैटर बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले बेसन, और बेसन में डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि आप दो पिंच कह सकते हैं, और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिए नमक का आधी छोटी चम्मच, और यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर और जो चाट मसाला है दोनों मिक्स कर लिए हैं। अब इसके बाद ये मसाला सूखा सभी को मिक्स कर देंगे, सूखे मसाले को, और अब इसे पानी डाल के हम एक जो है ना ही ज़्यादा पतला ना ही गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पानी डालना इसमें। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें और पानी चाहिए। थोड़ा सा, तो ये जो पानी है बिल्कुल इनफ है, और इसे हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कुछ भी गांठे जो हैं वो नहीं बचे। ये देखिए बैटर जो है बिल्कुल तैयार हो गया है, इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं हैं। और मैं आपको पतलापन दिखा देती हूँ, इतना हमें पतला चाहिए, तो ये बिल्कुल परफेक्टली तैयार। आइए तो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। बैटर बिल्कुल तैयार है तो इसे हम रख देते हैं अभी साइड में, और जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल तैयार है तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं।
अब हमें चलना है ब्रेड की तरफ, कि जो ब्रेड है मेनली जो हमने इसमें चेंज किया है, जैसे कि हम आपको बोल रहे थे इस ब्रेड पकौड़े में हमने चेंज किया है, तो वो चेंज हमने यहीं करा है ब्रेड के उसमें। तो अब जैसे कि ब्रेड के अंदर हमें रखनी है स्टफिंग, तो आप जैसे नॉर्मली सैंडविच बनाते हैं उसी तरीके से इसे फिल कर लीजिए। बस ब्रेड पकौड़े के लिए खास तौर से आप इसी बात का ध्यान रखिए कि आलू की स्टफिंग जो है वो चारों तरफ अच्छे से फिल होनी चाहिए। अब इसके ऊपर एक ब्रेड का जो दूसरा पीस है वो इसके ऊपर इस तरीके से सेट कर देंगे। अब मैं इसी तरीके से एक दूसरा पीस जो है वो भी तैयार कर लेती हूँ। ये है, ये सेकंड ब्रेड की स्टफिंग भी फिल हो गई है। अब हम यहाँ पे जो ये ब्रेड है इसका सेकंड पार्ट, इसे भी हम इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे रख देते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें एक चक्कू से इसे इस तरीके, वैसे नॉर्मली जो ब्रेड पकौड़ा बनते हैं तो आप जानते होंगे वो इस तरीके से कटते हैं, ऐसे कटते हैं, एक ब्रेड पकौड़ा ये हो गया और एक ये हो गया, नॉर्मली इस शेप में बनते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो बहुत ज़्यादा ऑयली भर जाता है, बड़ा पीस होता है, खाने में थोड़ी दिक्कत होती है, सर्व करने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए इजी है कि आप इसे छोटे, पहले आप बीच में से इस तरीके से कट कीजिए और फिर इसको ऐसे टर्न कर लेते हैं और अब हम इसे बीच में से यहाँ से भी इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये एक ब्रेड के हमने चार पीस कर लिए हैं ब्रेड पकौड़े के, और देखिए पीसेस इतने छोटे होते हैं कि सर्व करने में, प्लेट में रखने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और जो है ये खाने में भी आपको पकड़ के खाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि बड़ा पीस नहीं है, छोटे छोटे पीस हैं, तो आप इजीली इन्हें खा सकते हैं। तो ये लीजिए, ये जो ब्रेड है ये आपकी तैयार हो चुकी हैं। अब इनमें जो है इस तरीके से पीस निकल के आएंगे, जैसे कि ये निकल चुका है। तो अब हम पीस तैयार हैं ब्रेड यानी कि पकौड़े, ब्रेड पकौड़े का ब्रेड बिल्कुल तैयार है। इन्हें डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए, और बैटर भी तैयार है। तो चलिए पहले ऑयल चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं, और उसके बाद बैटर में हम इसे नॉर्मली ऐसे लेके डिप करेंगे अच्छे से, फिर इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो लीजिए ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है अच्छे से, क्योंकि इसमें भाप आ रही है तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड को तलना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये ब्रेड और ये इसका बैटर, अब हम इसे जो है ब्रेड को इस तरीके से लगा के और आराम से ऑयल में केयरफुली डिप करेंगे। अगर कहीं आपको लगता है रह गया है तो हम इस तरीके से इसमें, इसी तरीके से हम सेकंड पीस को भी इसमें डाल देते हैं। एक ब्रेड के जो चारों पीस हैं वो इसमें मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में। अब इन्हें हमें अच्छे से ब्राउनिश करना है, तो मैं पलट लेती हूँ जो कि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो लीजिए
ब्रेड पकौड़ा जो है ये कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ और इन्हें आप खास तौर से टिश्यू पेपर पर निकालिए क्योंकि ब्रेड पकौड़ा में बहुत ही ऑयल होता है, तो हमें इतना ऑयल नहीं यूज़ करना है। तो मैं इसे टिश्यू पेपर पर निकाल के और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकाल दूंगी अलग। ये मैं सारे ब्रेड पकौड़ा तैयार हो चुके लीजिए दोस्तों, तो तैयार है मिनी ब्रेड पकोड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इस रेसिपी की जैसे कि हमने कहा था खास बात यही है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और खाने में भी बहुत इजी। तो देखिए अंदर से कटिंग करने के बाद इसमें स्टफिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देती है आपको, और बहुत छोटा होता है तो आप ईज़िली इसे जो है प्लेटिंग कर सकते हैं। ईज़िली आपको खाना हो तो आप ईज़िली लेके खा सकते हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं रहता है। और बहुत ही टेस्टी इसलिए क्योंकि जो हमने इसकी स्टफिंग है ना वो आप चाहे समोसे में फिल कीजिए या ब्रेड पकोड़े में, उसे ज़रूर फ्राई कीजिए। और करी लीव्स की जो हमने इसमें तड़का दिया है उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।